अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 14.31। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया तो ये बहुत ही इजीली समझ में आएगी चीजें। इसमें बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन बिंग इसमें बहुत सारे बिल्स के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ये एक अकेला क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर तरीके से रिविजन करके जाते हो तो बेसिक पैटर्न पे और कोई क्वेश्चन आपको रिविजन करके नहीं जाना होगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अगेन मेरे पास जो एडिशन है इसमें पेज नंबर 14.31 है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्वेश्चन रीड करें पहले। लिखा है, मिस्टर अनूप रन्स अ होलसेल बिजनेस वेयर इन ऑल परचेजेस एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। ही फर्निशेस अ फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस। अगेन देखो हमारे पास बहुत सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो बड़ों में सबका लेजर ड्राफ्ट करना था। देखो हमने ऑलरेडी लेजर ड्राफ्ट किया है। देखो क्वेश्चन में लिखा है, मिस्टर अनूप रन्स अ होलसेल बिजनेस वेयर इन ऑल परचेजेस एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब कहीं पे भी कैश सेल कैश परचेज नहीं होगा, मतलब जो भी सेल्स या परचेज की फिगर आएगी वो कहां से आएगी, आइदर क्रेडिटर डेटर और बीआरबीपी। नेक्स्ट बोला है, ही फर्निशेस अ फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस। अब देखो बैलेंसेस की अगर बात करें तो डेटर अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, तो हमने वो ऑलरेडी ड्राफ्ट किया है। बिल्स पेबल अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, इन्वेंट्री हम बनाते नहीं और कैश बैंक हमने बनाया हुआ है। अब स्पेशली देखो बेटा, लिखा है समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2016। ये सारे कैश ट्रांजेक्शन हमारे पास दिए, ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रीड कर लेंगे। एंड नेक्स्ट अदर ट्रांजेक्शन भी दिए हैं, तो जब अदर ट्रांजेक्शन अलग से दिए इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन हमारे किसी भी फॉर्म में कैश या बैंक में नहीं हुए होंगे। हमारा यही असम्पशन होगा ना बच्चे कि इफ इन केस अगर ये कैश या बैंक में हुआ होता तो क्वेश्चन में मेंशन होता, बट क्वेश्चन में क्या बोला, अदर ट्रांजेक्शन, इसका मतलब इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन दिए होंगे चाहे वो आउटस्टैंडिंग वाले होंगे चाहे वो ड्यूज वाले होंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो लिखा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल फॉर ऑफ मिस्टर अनूप फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ट्रेडिंग पीएल बनाया था फिर नीचे बैलेंस शीट बनाई थी, वैसे ही अगर मेरे साथ आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हो तो कॉपी में इसी तरीके से करोगे कि पहले ट्रेडिंग पीएल बनाना फिर बैलेंस शीट बनाना और उसके बाद सारे वर्किंग नोट्स आप ड्राफ्ट करें। मेरे पास बोर्ड पे जिस हिसाब से स्पेस थी हमने उसी हिसाब से बनाया है, बट यहाँ पे जहाँ पे आप नंबरिंग देख रहे हो ना 1, 2, 3, 4, बेसिकली ये किसके लिए नंबरिंग है बेटा, वर्किंग नोट्स के लिए। तो कॉपी में पहले आप ट्रेडिंग पीएल बनाना फिर बैलेंस शीट बनाना और फिर सारे वर्किंग नोट्स बनाना। बट इस क्वेश्चन में हम बता दें कि हर एक इंडिविजुअल लेजर के लिए भी एटलीस्ट हाफ ऑफ पेज की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी। चल तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन हम रीड नहीं करते, हमने पहले भी बताया था कि सिंपल हमारे पास तरीका क्या है कि जो जो चीजें रीड करते जाएंगे वो जहां जहां जानी है उनको फीड करते जाएंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, जब डेटर्स अकाउंट पे चलेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग डाल देंगे और फिर उसका दूसरा इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक एक पॉइंट आपको बताया है। देखो 70,000 और 90,000 है, टू बैलेंस बीडी 70,000 एंड 92,000, क्लियर। इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाना है, बैलेंस शीट में डालेंगे, बैलेंस शीट में। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट थी बेटा और ओपनिंग बैलेंस शीट ये रही, कितना था 70 था, क्लियर। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल 15,000 6,000, ओपनिंग क्लोजिंग ड्राफ्ट ट्रांसफर करते हैं। और इसका दूसरा इंपैक्ट चला जाएगा विद इन बैलेंस शीट, नेक्स्ट बिल्स पेबल ओपनिंग क्लोजिंग दिया है 12,000 14,000 बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। अगेन इसका दूसरा इंपैक्ट कहां डालेंगे, बैलेंस शीट में। क्लियर। नेक्स्ट क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है 40,000 एंड 56,000 अगेन इसका दूसरा इंपैक्ट कहां डालेंगे, बैलेंस शीट में। ये हो गया 56,000 का दूसरा इंपैक्ट और यहां हम डाल देंगे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, तो उसका भी हो जाएगा हमारा दूसरा इंपैक्ट, क्लियर। नेक्स्ट इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो एक ट्रेडिंग में जाएगा और एक बैलेंस शीट में जाएगा, डालो
कितना है? 1,10,000। यहाँ पे 1,90,000 आएगा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस वही है, और यहाँ ओपनिंग डाल दो 1,10,000 का। और फिर हम लोग चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग दिया है बेटा 1,10,000 और क्लोजिंग दिया है 1,90,000। फिर नेक्स्ट बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 90,000 एंड 87,000। इसमें देखो हमने बैंक और कैश अलग अलग बनाए हैं, रीजन बीइंग कि मेरे पास दोनों का अलग अलग बैलेंस दिया है। और इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ डालेंगे? विद इन बैलेंस शीट। अभी हम सिर्फ बैलेंसेस ट्रांसफर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है 5,200, 5,300। बैलेंस शीट में डाल दे। क्लियर? सारे बैलेंसेस हमने कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर लिए, और अब हम क्या करेंगे, सीधे जितनी भी समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन है और इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रीट करेंगे। आप चलेंगे देखो समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2016 पे। सबसे पहले देखो लिखा है डिपॉजिटेड टू बैंक। हमने बैंक में डिपॉजिट किया है कब? आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस, सैलरी एंड पर्सनल एक्सपेंसेस 7,62,750। इतना तो हमने बैंक में जमा कर दिया, मतलब हमारे हाथ में जो पैसा आया उसमें से हमने शॉप एक्सपेंसेस पे किया, सैलरी पे किया और पर्सनल एक्सपेंस पे किया, और जो पैसा बचा वो बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां एंट्री करेंगे बाई शॉप एक्सपेंसेस। देखो कितना दिया हुआ है 600 पर मंथ, तो यहां क्या लिखोगे 600 × 12 बाई सैलरी एंड नेक्स्ट इज बाई ड्रॉइंग्स। इतना इतना हमने पेमेंट किया है कैश अकाउंट से। सैलरी कितनी है 9,200 पर मंथ, और ड्रॉइंग्स कितनी है 1,400 पर मंथ। इसका दूसरा इम्पैक्ट डाल देंगे अभी फिलहाल, पर उसके पहले एक देखो कॉन्ट्रा एंट्री जो करनी है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू कैश। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक कितना 7,62,750 जितना ट्रांसफर किया है, और यहाँ लिखेंगे टू कैश 7,62,750। अब उन तीनों का भी हम लोग डबल इम्पैक्ट डाल देते। शॉप एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, पीएल में टू शॉप एक्सपेंसेस, कितना हो जाएगा बेटा शॉप एक्सपेंसेस 600 × 12। सैलरी भी इधर ही आएगी जो कि कितनी दी हुई है 9,200 पर मंथ, और ड्रॉइंग्स उसमें आएगा नहीं, ड्रॉइंग्स कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और सीधे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं जो कि दी है 1,400 × 12। हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। 1,400 × 12 कितना हो जाएगा 16,800। यहाँ पे भी देख लो, इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7,200 और ये कितना होगा 9,200 × 12 1,10,400। हो गया सबका दूसरा इम्पैक्ट। नेक्स्ट देखो बोल रहा है कि हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। जब बैंक से विड्रॉ करेंगे अगेन कॉन्ट्रा एंट्री होगी, और सिंपली होगा क्या कि कैश बढ़ जाएगा और बैंक घट जाएगा। तो बाई कैश टू बैंक 1,21,000, और यहाँ क्या दिखाएंगे बेटा टू बैंक 1,21,000। क्लियर? नेक्स्ट कैश पेमेंट टू सप्लायर्स 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। तो सिंपली क्या कह रहा है कि क्रेडिटर को पेमेंट किया है और फर्नीचर को पेमेंट किया, और पेमेंट कैसे किए हैं कैश से, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स कितना 77,200, और एक फर्नीचर हमने परचेज किया है 25,000 का, वो भी कैश दे करके किया। क्या कहीं पे भी क्वेश्चन में हमारे पास फर्नीचर अकाउंट था? नहीं, फर्नीचर अकाउंट नहीं था। इसका मतलब ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा इसका दूसरा इंपैक्ट, बैलेंस शीट में। तो पहले क्रेडिटर्स को डाल देंगे टू कैश 77,200,
और फिर यहाँ देखो दिखाएंगे फर्नीचर। अभी हमें नहीं पता कि इस पे डेप्रिसिएशन लगना है कि नहीं, इसलिए हम इसको आउटर कॉलम में ही लिख रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारे पास लिखा है चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स बट डिसऑनर्ड। अब देखो ये सबकी मेरे को एंट्री बतानी होगी। जब हम चेक कलेक्ट करते हैं बेटा तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपना बैंक बढ़ा देते हैं। हम लोग एंट्री क्या करते हैं, यहाँ देखो ये एंट्री तुम लोग को समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर हमने चेक कलेक्ट किया तो हमने एंट्री क्या की होगी, बैंक टू डेटर्स, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद होती है कि वो पैसा हमें मिल जाएगा। बट अगर डिसऑनर हो गया तो हमें एंट्री क्या करना होगा, डेटर्स टू बैंक, वापस डेटर्स को बढ़ा देंगे और बैंक को घटा देंगे। ये एंट्री हम सिर्फ अपने समझने के लिए नहीं लिखे हैं, तुम लोग बुक में वहां पे नोट डाउन करो कि इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या होगा, बैंक टू डेटर्स, डेटर्स टू बैंक। क्लियर। अगर डिसऑनर भी हुआ है तो पहले एंट्री हुई होगी, फिर ही तो डिसऑनर हुआ होगा, तो पहली एंट्री डालो बैंक टू डेटर्स बाय बैंक, कितना 5700। और दूसरा जब डिसऑनर हुआ तो टू बैंक, और यहाँ लिख भी देंगे कि ये पैसा कैसा है, डिसऑनर का है, कितना 5700। सेम इम्पैक्ट कहाँ दिखना है, बैंक में दिखना है। तो बैंक में पहले जब हमें चेक मिला तो हमने डाला टू डेटर्स, और जब ये चेक डिसऑनर्ड हो गया तो डाला बाई डेटर्स। क्लियर है। और यहाँ लिख देना कि डिसऑनर्ड अमाउंट है, मेरी तरह डिश मत लिखना, डिसऑनर्ड लिखना। नेक्स्ट देखो लिखा है बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर 40,000। अब बिल एक्सेप्ट हुआ है किसके थ्रू, कस्टमर के थ्रू, मतलब हमने बिल लिखा होगा। अगर हम बिल लिख रहे हैं तो हम कौन है, ड्रॉवर है, दैट इज एक तरह से कह लो कि हम सेलर हैं। तो अगर हमने बिल लिखा है बेटा तो सिंपली एंट्री क्या होती है, हमें पता है कि बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, यही एंट्री करोगे ना। अगर आपको बिल मिला है किससे, डेटर से, आपने बिल लिखा था तो एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल टू डेटर, तो डाल दो बिल रिसीवेबल टू डेटर में, कितना अमाउंट है 40,000 बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, और इसमें कहाँ डालेंगे, टू डेटर्स अकाउंट। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चे। नेक्स्ट बिल्स इंडोर्स्ड 10,000। अब ये जो बिल हमें मिला हमने इसको इंडोर्स्ड कर दिया, तो देखो इंडोर्समेंट किसके फेवर में होता है, हम यहाँ समझा रहे हैं आप लोगों को, फिर रब करेंगे। इंडोर्समेंट क्या होता है, इफ इन केस मान लो ए ने बी को गुड सेल किया क्रेडिट पे, फेयर है, तो बी ने इसको एक बिल दिया होगा और ए के लिए बी कौन है, डेटर्स। हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ए के लिए बी कौन है, डेटर्स। तो जब बिल मिलता है तो एंट्री वो क्या करता है, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स। अब मान लो ए ने किसी से, हो सकता है उधार पे गुड्स खरीदा हो जिसका नाम सी है, तो सी ए के लिए कौन होगा बेटा, क्रेडिटर। अब ए क्या कर रहा है, इस बिल को इंडोर्स कर दे रहा है सी को, तो उस केस में ए क्या करेगा, अपनी बुक्स में क्रेडिटर को कम करेगा और बिल्स रिसीवेबल को भी कम कर देगा। क्लियर है। तो इंडोर्समेंट की एंट्री सिंपली क्या होती है, वहां लिख लो क्रेडिटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, और कितना इंडोर्स्ड किया है 10,000, तो क्रेडिटर्स टू बिल रिसीवेबल ना, तो ये 10,000 कहां जाएगा, इधर। क्लियर। नेक्स्ट बिल्स डिस्काउंटेड 20,000 एंड डिस्काउंट कितना है 750, तो इसका तो ट्रीटमेंट हम लोगों को पता है कि अगर बिल डिस्काउंट हो रहा है तो सिंपली बैंक से डिस्काउंट होगा, बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, यही एंट्री होती है, क्योंकि बिल दे करके हम उनसे पैसा ले लेते हैं। तो इसकी एंट्री हम कर रहे हैं बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, वहां पे आप लोग लिखते भी जाना, हम आप लोगों के समझाने के लिए ही इतनी बार बता रहे हैं। कितना 19,250, क्योंकि 750 तो डिस्काउंट है उसमें से, बाई डिस्काउंट। सबका दूसरा इम्पैक्ट डालो, बैंक है तो बैंक में चला जाएगा, पैसा आया कहां से, बिल से, और डिस्काउंट कहां जाएगा, बट ऑब्वियस ट्रेडिंग में, क्योंकि कौन सा डिस्काउंट है हमारा, अलाउड या कह लो खर्चा 750। क्लियर है। नेक्स्ट बिल्स मच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड। बिल्स मच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, इसका मतलब ना आपने इंडोर्स किया ना ही आपने उसको कहीं से भी डिस्काउंट करा है, वो बिल आप अपने पास रखे हो। तो जब बिल आपको मिलता है तो आप बुक्स में एंट्री क्या करते हो, आप एंट्री करते हो बिल रिसीवेबल टू डेटर्स, करते हो ना। अब जब मच्योरिटी तक ये बिल आपने रखा है तो आपको क्या मिलेगा इसके बदले, पैसा मिलेगा, किसके लिए, बिल के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू बिल रिसीवेबल। अगेन वहां पे नोट डाउन कर लो, बैंक टू बिल रिसीवेबल। वैसे हमें पता है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, बट स्टिल
हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं सो दैट आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो और इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो एंट्री क्या हमने बताई, बैंक टू बिल रिसीवेबल, कि मैच्योरिटी तक ये बिल हमने होल्ड किया था तो हमें 16,000 मिला है। क्लियर है? नेक्स्ट, बिल्स एक्सेप्टेड। अब देखो, बिल अगर हमने एक्सेप्ट किया इसका मतलब हमने उधार पर गुड्स खरीदा होगा, हम ड्रॉ ही होंगे, हमारे पास बिल आया होगा साइन करने के लिए तो हमने साइन कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर हमने बिल एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब क्रेडिटर टू बीपी, यही एंट्री होगी बेटा। तो क्रेडिटर ये है टू बीपी, कितना अमाउंट है देख लो 24,000, और बीपी में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर 24,000। और ये सारी एंट्री अगर आप बुक में लिख रहे हो तो आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, लिखा है पेड सप्लायर्स बाय चेक। हमने सप्लायर्स को चेक से पे किया, पहले कैश से भी पे किया था, अब चेक से पे करेंगे, दैट इज बैंक से, कितना 3,20,000। और सप्लायर्स कौन है, क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स 3,20,000। नेक्स्ट, रिसीव 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ वन LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक। देखो इस पे मेरा डिस्कशन रह गया था, कई बार क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो प्रोप्राइटर है उसके पर्सनल एसेट की बात करता है कि उसने अपना पर्सनल एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट किया, या प्रोप्राइटर की कोई LIC चल रही थी और LIC का जो पैसा आया है, या प्रोप्राइटर की कोई प्रमाइसिस थी वहां से जो रेंट आया है उसको उसके बिजनेस इन्फॉर्मेशन में या बिजनेस बुक में लिखा है। तो सिंपली आप खुद सोचो ना कि अगर मान लो हम प्रोप्राइटर हैं और हमने अपने पर्सनल असेट के बारे में या पर्सनल असेट से जो भी हम रिसीव करें उसके बारे में अपने बिजनेस बुक में लिखा है, इसका मतलब वो क्या होगा, एडिशनल कैपिटल होगा। कि हमारा प्लान क्या है कि उस LIC का जो पैसा आएगा या उस प्रमाइसिस से जो रेंट आएगा उसको हम पूरी तरीके से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी होती है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री सिर्फ क्या होती है, देख लो इधर, कैश और बैंक टू कैपिटल। इससे ज्यादा आपको किसी चीज से मतलब है क्या, नहीं ना। अगर हमारा बिजनेस है, हम कहीं से भी पैसा ला करके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस को किस चीज से मतलब होता है, सिर्फ पैसे से, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे क्वेश्चन में कि जो प्रोप्राइटर है उसके पर्सनल असेट्स की बात करता है कि उसके पर्सनल असेट से इतना पैसा आया, या उसके इतने पर्सनल असेट पे इतना पैसा हमने रिसीव किया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन है, और आप उसकी सिर्फ और सिर्फ यही मान करके एंट्री पास कर दोगे। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये पॉइंट। हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन में नहीं बताया था, क्वेश्चन के साथ ही मेरे को डिस्कस करना था। लास्ट टाइम हम रिपीट कर रहे हैं कि प्रोप्राइटर का कोई भी पर्सनल एसेट से कोई भी अमाउंट अगर बिजनेस में रिसीव हो रहा है या बिजनेस बुक में मेंशन किया है, तो आप हमेशा ये अज्यूम कर लेना, जैसे आप ड्रॉइंग्स अज्यूम करते हो वैसे आप ये अज्यूम करोगे कि वो एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन है, ठीक। क्लियर? नेक्स्ट, रिसीव 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ वन LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक। अब देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया कि जो प्रोप्राइटर है मिस्टर अनूप, उनकी एक LIC थी 20,000 की, वो मैच्योर हुई, और वो पैसा कहाँ रिसीव हुआ, बिजनेस में। तो क्या हमें इससे कोई मतलब है, नहीं। हम ये मान लेंगे कि ये एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन है, तो बैंक से ब्रॉट इन हो रहा है, यहाँ लिख दे टू एडिशनल कैपिटल, और हमें यहाँ पे किसी भी चीज से मतलब नहीं है। कितना अमाउंट था 20,000, और ये यहां पे ऐड होगा एडिशनल कैपिटल, और यहां क्या लिखेंगे, LIC मैच्योर्ड। चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, क्योंकि बिजनेस को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पैसा प्रोप्राइटर कहां से लाके इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ आपके समझने के लिए हमने वहां पे मेंशन किया है। क्लियर? नेक्स्ट, रेंट रिसीव 14,000 बाय चेक फॉर द प्रमाइसेस ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर। अगेन वही चीज लिखा है ना कि जो प्रोप्राइटर है उनके नाम पे एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग का रेंट आया 14,000, और वो 14,000 रिसीव कहाँ हुआ, बिजनेस बुक में। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि प्रोप्राइटर ने वो 14,000 बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख दें अगेन टू एडिशनल कैपिटल, क्योंकि अगेन सारी चीजें किससे हो रही है, चेक से हो रही है, और यहाँ आप लिख देना रेंट 14,000, और अगेन इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, विद इन बैलेंस शीट होगा, सेम नेम एडिशनल कैपिटल रेंट 14,000। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अ बिल्डिंग वॉज परचेस्ड ऑन 30/11/2016, मतलब ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा है, फॉर ओपनिंग अ ब्रांच फॉर 3,50,000, एंड सम एक्सपेंसिस वर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंटेन्ड। एक्सपेंसिस की तो डिटेल नहीं मेंटेन है, बट बिल्डिंग की डिटेल मेंटेन है।
अब इतनी हैवी अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नो डाउट हम कैश से नहीं खरीदेंगे, हम मान लेते कि हमने उसको कहाँ से खरीदा होगा, बैंक से। तो देखो जब बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो उसी टाइम कुछ एक्सपेंसेस भी हुआ है, तो उसको भी हम हमेशा कहाँ डालते हैं, बिल्डिंग के नाम पे ही ना डालेंगे, दैट इज कैपिटलाइज करेंगे। बट क्या हमारे पास उसकी फिगर है? नहीं मैम, उसकी फिगर नहीं है। तो इसका मतलब उसकी फिगर कहाँ से आएगी? बैलेंसिंग फिगर आएगी, इसलिए अभी हम उसको होल्ड करें। और बिल्डिंग का दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा बेटा? विद इन बैलेंस शीट। बट क्या हमारे पास बिल्डिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन है? नहीं, अभी बिल्डिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ बोला था कि आप बिल्डिंग और बिल्डिंग एक्सपेंसेस लगा रहे हो तो बिल्डिंग एक्सपेंसेस हमेशा कैपिटलाइज होगा। रीजन बीइंग कि जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हो या बिल्डिंग परचेज कर रहे हो उस टाइम अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाई कैश, कैश से आपने कितना पे किया? 18,700। और ड्यू कितना है? 2,200। इसका मतलब ओवरऑल करेंट ईयर का कितना होगा? 20,900। दोनों को ऐड कर देंगे ना तो पेमेंट जो किया है वो यहाँ दिखेगा, बाय बिल्स के नाम से दिखा रहे हैं, आप लोग पूरा लिखना, बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स। ठीक, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिल्स के नाम से दिखा रहे हैं 18,700। अब इस 18,700 का दूसरा ट्रीटमेंट, कहीं पे भी हमने एक्सपेंसेस अकाउंट तो बनाया नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे टू, यहाँ देखो पूरा लिख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स, हमने पे किया है 18,700। बट अभी आउटस्टैंडिंग बिल्स कितना है? 2,200। तो ओवरऑल कितना हो गया? 20,900। और ये आउटस्टैंडिंग हम कहाँ दिखा दें बेटा? विद इन बैलेंस शीट दिखा दें? हाँ मैम दिखा दीजिए। तो इसका भी दूसरा इम्पैक्ट हो गया। क्लियर? अब देखोगे तो जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो तो हमने डील कर लिया, अब हम कहाँ चलेंगे बेटा? अदर ट्रांजेक्शन्स पे। और हमने पहले बताया कि अदर ट्रांजेक्शन्स पे हमारा अजम्पशन क्या होगा, कि वो कैश में या बैंक के थ्रू नहीं हुआ है, सबका सब आउटस्टैंडिंग है। फर्स्ट पॉइंट देखो, लिखा है क्लेम अगेंस्ट अ फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट, लीगल एक्सपेंसेस 17,000, द फर्म एंटीसिपेट्स डिफीट इन द सूट। फर्म के अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ है, उस केस को हारने की ऑलमोस्ट पूरी उम्मीद है। उस केस पे अगर हम हारे तो हमें 1,55,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो एज पर कंजर्वेटिज्म रूल क्या था कि अगर एंटिसिपेटेड लॉस, हमें पता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो हम उसके लिए आज से ही प्रिपरेशन करके चलते हैं, दैट इज आज से ही प्रोविजनिंग करके चलते हैं। क्लियर? तो पहले हम इस 1,55,000 का ट्रीटमेंट करेंगे, प्रोविजन बना रहे हैं, और प्रोविजन बना रहे तो कहीं पेमेंट नहीं होती, तो प्रोविजन बनाएंगे टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस 1,55,000। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां दिखेगा? विद इन बैलेंस शीट। और इसके अलावा बेटा इसमें बता रहा है, इसके अलावा इसमें बता रहा है कि लीगल एक्सपेंसेस 17,000 का जो इस पे केस पे लगेगा, तो लीगल एक्सपेंसेस तो है, बट क्या लीगल एक्सपेंसेस पेमेंट के बारे में कहीं बताया? नहीं मैम, लीगल एक्सपेंसेस पेमेंट के बारे में कहीं नहीं बताया है। तो हम क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 17,000। तो नो डाउट इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में 17,000। क्लियर है? क्योंकि अगर ये पेमेंट हुआ होता तो ये ऊपर कैश ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं मेंशन होता। नेक्स्ट देखो, लिखा है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, अगर हमने गुड्स रिटर्न किया है सप्लायर का तो परचेज रिटर्न है, जो परचेज किया था वो रिटर्न करें 4,200 का। और इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, यहां लिख दे टू परचेजेस। और देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा था कि सारी की सारी परचेजेस क्रेडिट है, तो इसका मतलब कैश तो कुछ होगा ही नहीं। 4,200 यहाँ पे सेल्स भी लिख देते हैं और सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट लिखा है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न हो गया 1,200 का, और ये चला जाएगा डेटर्स में बाय साइड। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, अगर सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया है कितना? 2,700 का, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, टू डिस्काउंट। और इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा? विद इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर, अगर हमने कस्टमर को ऑफर दिया है तो बेसिकली हमने अलाउ किया है, हमारा खर्चा है, बाय डिस्काउंट कितना अमाउंट है? 2,400। और ये हम लिखेंगे पीएल में टू डिस्काउंट अलाउड।
एंड लास्ट पॉइंट जो लिखा है कि द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रमाइसेस फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड. ये पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है एक रेंटेड प्रमाइसेस पे. उस रेंटेड प्रमाइसेस की रेंट कितनी है 20,000, बट क्या अगेन उसका पेमेंट किया है? नहीं, उसका पेमेंट नहीं किया है. और क्वेश्चन में भी साफ लिखा है कि वो आउटस्टैंडिंग है एट द ईयर एंड. तो यहाँ लिखे टू आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 और यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट विद इन बैलेंस शीट 20,000. होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा. देख लो अब हमारे पास बुक में कहीं पे भी कुछ भी नहीं बचा है, तो सिंपली अब हमारा मोटिव क्या होगा इस क्वेश्चन से प्रॉफिट फाइंड आउट करने का. तो सिंपली आप लोगों को पता है कि सबसे पहला स्टेप क्या है. सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि डेटर क्रेडिटर बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल को क्लोज करेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर जितने भी लेजर्स बच जाएंगे उनको क्लोज करेंगे, फिर नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करके बैलेंस शीट बना लेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे सो दैट डेटर्स अकाउंट क्लोज कर सके. आप देखो बिल्स रिसीवेबल में इस साइड मेरा ऑलरेडी डेटर्स दिया हुआ है, क्लियर है ना? तो देखते हैं बैलेंस किस साइड आ रहा है. 15,000 प्लस 40,000 इस साइड हमारा जो बैलेंस आएगा 3,000. तो अब हम उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? अगर हम लोग यहां देखें तो हमारे पास डेटर्स भी दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया है और बैंक से भी ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है. तो फिर उस केस में ये 3,000 आप डालोगे बाई डेटर्स के नाम पे, ये अज्यूम करके कि एक कोई बिल डिसऑनर हुआ है, क्लियर? तो यहाँ पे ये लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर और यहाँ पे मेंशन कर देना कि ये बिल्स डिसऑनर्ड है. ये अजम्पशन है क्योंकि हमने जो लेजर भी बनवाया हमने साफ बताया है कि आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग और उसके अलावा टू साइड डेटर और बाई साइड बैंक होगा और तो कुछ एडिशनल आप डाल नहीं सकते. तो आपने उसको कहाँ डाल दिया, डेटर्स में. और डेटर्स में वो फिगर हम ट्रांसफर कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3,000 और यहाँ पे लिख देंगे कि ये बिल्स डिसऑनर्ड है, क्लियर? तो देखो बिल रिसीवेबल का बैलेंस हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया. अब अगर हम लोग डेटर्स की बात करें तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे. कैश अकाउंट को क्लोज करने का रीजन बेटा हमेशा यही होता है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैश इन बैंक अकाउंट दिया था तो हमने पहले उसको क्लोज किया था, रीजन बीइंग कैश सेल की फिगर आई थी. तो एक बार हम लोग कैश अकाउंट को क्लोज करके देख लेंगे कि कहीं उसमें से कैश सेल्स तो नहीं आ सकता. बट अगर हम लोग डेटर्स में देखें ना तो डेटर्स में हमारे पास जो बैंक है वो सिर्फ 5,700 है और हमारा डेटर में कहीं में भी कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है. इसका मतलब कहीं ना कहीं और अमाउंट हमारा कैश के थ्रू रिसीव हुआ होगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे कैश अकाउंट भी क्लोज कर लेते हैं. एक बार कैश अकाउंट क्लोज करके देखते हैं कि फिगर कितनी आ रही है, किधर आ रही है. ये तो 7,200 आया था, ये कितना आया था 9,200 इंटू 12, 1,10,400, 1,400 इंटू 12 ये है 16,800. तो देख लेते हैं बैलेंस किधर आ रहा है हमारा, 7,200 प्लस 1,10,400 प्लस 16,800 प्लस 762,750 प्लस 77,200 प्लस 25,000 प्लस 18,700 प्लस 5,300. अब देखो उधर का बैलेंस आ रहा है मेरा 10,23,350, तो उसमें से माइनस करेंगे 5,200 और माइनस करेंगे 1,21,000. देखो इधर बैलेंस आएगा 897,150. तो ये बैलेंस किसका हो सकता है, अगर कैश अकाउंट में है तो आइदर कैश सेल होगा या डेटर्स होगा. तो कैश सेल्स तो इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेशली बोला था कि किसी भी तरह की कोई कैश सेल या कैश परचेजेस नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन किया था ना. तो इसका मतलब ये डेटर्स हमारा कहाँ चला जाएगा, बाई साइड. देखो यहाँ लिखेंगे बाई कैश, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर उनसे हमने 5,700 रिसीव किया है. या अबाउट डेटर्स पे, डेटर्स में देखो कितना आ रहा है, 5,700 प्लस 40,000 प्लस 1,200 प्लस 2,400 प्लस 1,897,150 प्लस 92,000 माइनस 70,000 माइनस 8,700. क्रेडिट सेल्स आ रहा है 9,59,750 और यहाँ क्या लिखे बेटा, बैलेंसिंग फिगर. इसको यहाँ ट्रांसफर कर रहे 9,59,750, इसमें से 1,200 माइनस कर दो, ये आ रहा 9,58,550. तो देखो बिल्स रिसीवेबल क्लोज हो गया, डेटर्स क्लोज हो गया, कैश अकाउंट तो हमने क्लोज कर ही दिया था. बिल्स पेबल देखो इस साइड हमारा आएगा टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट क्यों आएगा,
क्योंकि ऑलरेडी कैश तो क्लोज हो चुका है, कितना आएगा 22,000, और इसमें देखो ये क्रेडिटर्स दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इधर क्या जाएगा बैंक, जिसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाई बिल्स पेबल, कितना 22,000। अब इसका बैलेंस निकाल लो, इसका बैलेंस निकालने पे हमारा बिल्डिंग का बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कैश और बैंक दोनों को क्लोज कर सकते हैं, तो इसको क्लोज करो। ₹57,00 माइनस 3,20,000 माइनस 22,000 माइनस 87,000, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है बेटा 3,72,000 का। तो इसका मतलब 22,000 का एक्सपेंसेस हो गया, और ये 22,000 हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल हम आप लोगों के समझने के लिए बता रहे हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट बीपी क्लोज हो गया, तो क्रेडिटर्स क्लोज कर देंगे, तो ये आ जाएगा बाई क्रेडिट परचेजेस 4,200 प्लस 2,700 प्लस 56,000 माइनस 40,000, ये आ रहा बेटा 4,54,100 बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कैश एंड बैंक कहीं ना कहीं सबसे कनेक्टेड होता है, तो 4,54,100 माइनस करके बाहर के कॉलम में भी लिख लेते हैं, ये आ रहा है 4,49,900। बैलेंस क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन आएगा, निकालो कितना आ रहा है बैलेंस, 958,550 प्लस 1,90,000 माइनस 1,10,000 माइनस 4,49,000 588,650, यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 588,650, क्लियर है। जीपी आ गया ना, आप देखो सारे के सारे वैसे तो मेरे क्लोज हो गए, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट बचा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटल अकाउंट निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर। इतनी स्पेस मेरे को इसके लिए चाहिए नहीं थी, 1,10,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000 प्लस 90,000, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था ना कि मेरे पास कोई असेट ही नहीं था, फिक्स्ड असेट, करंट असेट्स तो थे, फिक्स्ड असेट्स ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदे हैं, माइनस 12,000 माइनस 40,000 यार है 2,38,200। तो इसका दूसरा इम्पैक्ट यहाँ डाल दे 2,38,200। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तुरंत हम लोग चलेंगे अपने पीएल पे, इसको तो क्लोज कर देंगे, पीएल पे आ जाओ, पीएल में हमारे पास कहीं पे भी कोई फिगर नहीं बची है, तो ये आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट करो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, ये आएगा बेटा 5,88,650 प्लस 2,700 माइनस 7,200 माइनस 1,10,400 माइनस 750 माइनस 20,900 माइनस 1,55,000 1,700 2,400 एंड 20,000, ये आ रहा बेटा 2,57,700 बैलेंसिंग फिगर हो गया, यहाँ पुट कर देंगे 2,57,700, निकाल लो क्लोजिंग कैपिटल 238,200 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 257,700 माइनस 16,800, तो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है 5,13,100। बस बोथ साइड हमारा इक्वल आना चाहिए, 14,000 प्लस 56,000 प्लस 2,200 प्लस 1,55,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000, ये आ रहा है 777,300, और उधर का भी टोटल इतना ही आना चाहिए 25,000 3,72,000 1,90,000 प्लस 92,000 प्लस 6,000 प्लस 87,000 प्लस 5,300 आ गया 7,77,300। तो होपफुली क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, पहले आप आराम से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग चलेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। अब आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, बुक में देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और 4 सेम पैटर्न पे दिया हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, अभी हमने देखा है दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत ही आराम से हो जाएगा, रीजन बीइंग उसके कुछ ना कुछ पार्ट हमने दोनों ही क्वेश्चंस में कराए हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन आज हमने बोर्ड पे बताए हैं उसी का छोटा छोटा पार्ट उन दोनों क्वेश्चंस में दिया है, तो वो दोनों क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, या टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, एंड इफ इन केस नहीं सॉल्व होगा तो हम उसको बोर्ड पे सॉल्व करवा देंगे, उसके लिए हम अलग से क्लास ड्राफ्ट कर देंगे, क्लियर। अच्छा, आज की क्लास में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।